नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर इंडिया में। आज हम देखेंगे महर्षि संदीपनी आश्रम। यह आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनके भाई बलराम और सुदामा ने भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। 14 विद्याएँ तथा 64 कलाएँ इस आश्रम से सीखी थी। आप देख सकते हैं जैसे 14 विभिन्न विद्याएँ कौन कौन सी हैं, जिसमें वेद है, पुराण है, ज्योतिष है, कल्प है, धर्मशास्त्र है, मीमांसा है, तर्क है। इस तरह विभिन्न 14 विद्याएं हैं जिन्हें यहाँ पर चित्रों द्वारा समझाया गया है। दोस्तों, अब जो आप देखेंगे यह गोमती कुंड है। यह बहुत ही प्राचीन और विशाल कुंड है। इसका उपयोग आश्रम में रहने वाले लोग अपनी जल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना विशाल और आकार में कितना बड़ा कुंड है। प्राचीन समय से यह यहाँ पर स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे संदीपनी ऋषि द्वारा श्री कृष्ण को सिखाई गई 64 विभिन्न कलाओं को। 64 विभिन्न कलाओं के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएँ आती हैं, उनका यहाँ पर चित्रों द्वारा एक के बाद एक प्रदर्शित किया गया है। 64 भिन्न भिन्न कलाओं जो कि श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को संदीपनी ऋषि द्वारा इस आश्रम में सिखाई गए हैं। आइए हम देखेंगे कौन कौन सी ये कलाएं हैं जहाँ पर आसानी से चित्रों द्वारा इनका प्रदर्शन किया गया है। हर एक कलाओं के बाद उनका नंबर और नाम लिखा गया है, कौन कौन सी ये कलाएँ हैं आप देख सकते हैं।
64 कलाओं के बाद हम देखेंगे यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का उपदेश। गीता में क्या क्या बोला गया श्री कृष्ण द्वारा, उसको यहाँ पर चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। एक के बाद एक यहाँ पर चित्र लगाए गए हैं, जिसमें जो श्री कृष्ण द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिए गए उनका प्रदर्शन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चित्र बने हैं और क्या क्या उपदेश दिए गए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य बनाया गया है यहाँ पर। आइए हम और देखते हैं क्या क्या बनाया गया है यहाँ पर।